जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। खैरियत, आज आपने ऑफिस टाइमिंग्स में अपने पर्सनल नंबर से मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल किए। हमेशा तो आप ऑफिस के नंबर से ही कॉल करते हैं ना। अब अगर अपने बेटे से बात करनी है तो पर्सनल नंबर ही यूज करना पड़ेगा। पहले ही सरकार पर बहुत बोझ है। कमाल हो गया, आज ड्यूटी की टाइमिंग्स में बेटा कह रहा है मुझे। अच्छा हुक्म करें, क्या बात है? मैंने तुम्हारी मंगनी का फैसला कर लिया। शाम तक सोच लो, तानिया से बात कर लो और मुझे घर आकर मंगनी की डेट बता दो। खुदा हाफिज़। बाबा मैं अचानक क्या हो गया? फिर क्या पता चला इस स्केलेटन के बारे में? इस लड़की की उम्र 26 से 30 साल के दरमियान है। और हमें इसकी हड्डियों से ये पता चला है कि इसे तकरीबन 3 माह पहले वहां दफनाया गया है और इसकी मौत जलने की वजह से हुई। सर ये उम्मीद भी हुई जिसके घर से हड्डियां मिले। आप दोनों में से पहले हड्डियों को किसने देखा था? मैंने देखा सर, मैं लॉन में सूखी घास को पानी दे रही थी जहाँ पे लाश दफन थी। अचानक वहां से मट्टी नीचे जाने लगी तो पास पड़े बेलचे से मैंने खोदना शुरू कर दिया। आप दोनों को वहाँ शिफ्ट हुए कितना टाइम हुआ? सर यही 2 दिन पहले। मैं अकाउंट ऑफिस में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हूँ। आपने मकान किससे किराए पे लिया? अख्तर प्रॉपर्टी डीलर से। घर के पास ही उनका ऑफिस है। अख्तर प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। ये अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा बुला लेंगे। ओके सर। ठीक है। इदार खान। यस सर। उस अख्तर प्रॉपर्टी डीलर को उठा के लाओ और उन तमाम अफराद को भी जो उस घर के बारे में कुछ भी जानते हैं। यस सर। तो साहिल को घर तुमने किराए पे दिया था? जी सर, तलब खातून के कहने पे मैंने ही ये मकान साहिल को किराए पे दिया था। ये तलब खातून कौन है? सर वो इस मकान में रहती थी, ये प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है। मैंने तो सर सिर्फ अपना कमीशन लेके किराए पे मकान दिया है। अच्छा, उस घर से एक जली हुई लाश मिली। जली हुई लाश? हाँ, जली हुई लाश, जो कि एक लड़की की है जिसकी उम्र 26 से 30 के दरमियान है। इसीलिए तुम उस घर के बारे में जो कुछ जानते हो सच सच बताना, वरना घर में लड़की को जलाने के केस में तुम भी अंदर जा सकते हो। क्योंकि वो घर तुमने किराए पे दिया था इसलिए उसके आखिरी आरजी मालिक तुम ही बनते हो। सर मैं उस घर के बारे में जो कुछ जानता हूँ आपको सच बता रहा हूँ। सर वो उस घर की मालकन तलत खातून ही है और वो उस मकान में काफ़ी अरसे से रह रही थी। ये अभी सर 3-4 महीने पहले ही वो लोग शिफ्ट हुए हैं वहाँ से। सर आप चाहें तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हैं। उस घर में कौन कौन रहता था? तलत खातून अपनी बेटी जैनब के साथ रहती थी और उनकी बहू सबा भी साथ रहती थी। कोई मर्द नहीं था घर में? नहीं सर, तलत खातून के शौहर की काफ़ी अर्सा पहले डेथ हो गई थी। और सर उनका एक बेटा था, उसका नाम जी सर अशर, सबा का शौहर। सर वो भी कुछ अर्सा पहले रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया था। 26 से 30 के दरमियान सबा थी या जैनब? सर मेरा ख्याल है सबा थी 30 के लगभग। इसका मतलब है कि सबा को ही जलाया गया है? नहीं सर, सबा कैसे जल सकती है? वो क्यों नहीं जल सकती? क्योंकि सर वो अपने आशना के साथ फरार हो गई थी। फरार हो गई थी? जी सर, और तलत अपनी बेटी जैनब के साथ यहाँ से चली गई थी और मुझे कहा था कि इस मकान को किराए पे चढ़ा देना। फिर उस घर में किसकी लाश जली है? ठीक है, तुम बाहर बैठो। ठीक है। लाफन। यस सर। इस लड़की को ले आओ। सर। सर जी, बावसूख जराए से पता चला है
के एक सास ने बहू को मारकर घर से बाहर निकाल दिया और फिर बेटे का घर उजड़ने की गम में खुद चल बसी। शुरू है। सही खबर यह है कि एक ससुर ने अपनी बहू को दुपट्टा ना लेने पर अपने बेटे से छतरौल करवा दी और उसी शाम अपनी बेटी के लिए 6 पॉकेट गिंग लेके आए। सही, हम लोग बहुओं को बेटियों का दर्जा कब देंगे? सर दूसरी खबर यह है कि बस 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 नतीजा आ गया है। कामिशा जा। शाकर साईं, तुम्हारी खबरें भलो स्टैंडर्ड थी। पहली बात तो यह है कि इंसानों में कुत्ते की खबर का क्या काम, और जींस में सेक्स पॉकेट तो होती नहीं है, लिहाजा जुर्माने के तौर पर तुम जाओगे और सब के लिए चाय का ऑर्डर करके आओगे। कट के हो तू कट के हाँ, मैं तेरे जिस्म पर जगह जगह कट ना लगा दू तो करम दाग ना नहीं है मेरा। वह बड़े मग्गे लेकर आ, मलाइया डलवा के ऊपर कवर करा के वह रबर बैंड लगवा के लेकर आ। जा बजा जा। बाल्टी में नहीं हूँ। अच्छा झुकते करता मेरे शहजादे के लिए 4 पाउंड भी लाने हैं। तो साजिश है, तू बड़ा इद्दी अमीन है कि तेरे खिलाफ हम साजिश करेंगे। चल जा। ठीक है सही, जा रहा हूँ। अंदरूनी तौर पर ये हल्का सा मीठा भी है। जा जा। देखो माजिद, ये कत्ल का केस है, इसलिए तुम जो कुछ जानते हो सच सच बताना, वरना तुम खुद भी फंस सकते हो। कत्ल नहीं सर, खुदकुशी। व्हाट? खुदकुशी? तुम्हें क्यों लगता है खुदकुशी थी? क्योंकि सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस रात जब मैं अपने दोस्त की शादी से घर वापस आया था तो मैंने देखा। तो तुमने लड़की को खुद पर तेल छिड़कते हुए देखा, लेकिन आग किसने लगाई ये नहीं देखा? नहीं सर। तो फिर तुमने उस लड़की को बचाने का कोशिश क्यों नहीं किया? सर तल्लत एक बदतमीज खातून है, इसीलिए सारा मोहल्ला उससे तंग है और सब लोग रेज करते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर अख्तर का कहने का मुताबिक सब अपने आशिक के साथ भाग गए, जबकि माजिद कह रहे कि सबा ने खुद को आग लगाया है। असल कहानी क्या है सर? नहीं भाई, मेरे जो गवाह हमने आपको प्रोवाइड किए थे वो तो झूठे साबित हो गए हैं। अब आप खुद ही अरेंजमेंट करें। चल चल सीधा सही, सीधा चल इधर इधर। बिस्मिल्लाह। मेरे प्रिया घर आया। नदीम भाई, हमारी जबान जूस के जैके को और आंखें तुम्हारे दीदार को तरस गई थी। बैठो बैठो चंद मई, बैठो। मुझे मारते भी क्यों लाए? अच्छा, इनकी मार का बुरा नहीं मनाना। वो जो है दीवाना है, सुदाई है, बेचारे नकाम आशिक भी है। नकाम आशिक को कुछ नहीं कहते, वो बेजबान अगर मोहल्ले में कट्ठे हुए कूड़े के ढेर को आग भी लगा दे तो पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। और ये जो शाकर साईं है, ये तुम्हारे दादे की उम्र का है। इस बुजुर्ग ने आपको अगर 2-4 चपेड़े मार भी दिए हैं तो इसका बुरा ना मनाओ। और सही 3 मारे थे, ये चौथा ये। इस तबके की क्या वजह? ये टिप अदा किया इसने आपको। ओ मासूम बनने की कोशिश ना करो गुलकंदी साहब, 2 महीने में 1 शिकार। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया पता है? 60 दिनों का महीना होता है, हम गरीब लोग वो कैसे गुजारा करते हैं? नोबडी नोज। सुधी साहब, जब से इंटरनेट का जमाना आया है लड़कियों और लड़कों की मुलाकात घर बैठे ही हो जाती है, वो भी लाइव। और जूस सेंटर में तो मुलाकात का दौर ही खत्म हो गया।
तो शिकार कहाँ से लाके दूंगा मैं आपको? ओए गुलकंदी, किसी सियाने ने क्या खूब कहा है कि शेर जब बुढ़ा हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पूछो क्या? क्यों? इस वास्ते है कि वो जब तक शिकार नहीं करता तब तक शिकार खुद उसके चुंगल में नहीं आ जाता। इस वक्त तुम पुलिस के नर्गे में आ चुके हो। इस शहर में अगर तुमने दुकानदारी करनी है तो हफ्ता वार एक शिकार तुमको हमें तोहफतन देना पड़ेगा। समझ आई है कि नहीं कि पिछली भी गई? हाँ चौधरी साहब मैं समझ गया, जैसे ही कोई शिकार मेरे हाथ आता है मैं फौरन आपको फोन करता हूँ। जाओ कार्रवाई शुरू करो। उठो शकरकंदी साहब, आ जाओ। गलत खातून को वो घर छोड़े कितना अर्सा हुआ? सर 3 महीने हो गए। तो इन 3 महीनों में उन्होंने तुमसे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की? घर के कागजात, आईडी कार्ड की कॉपी, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। ये प्रॉपर्टी का धंधा ऐसे ही करते हो? सर वो 3 महीने से उन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया है। तो सर वो मकान अशर के नाम है। सर वो गलत खातून के शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सर उनका नंबर है मेरे पास। दिलदार खान। यस सर। इससे वो नंबर लो और सारा डेटा निकलवाओ उसका। सर हमें एक लड़की की जली हुई लाश मिलती है जिसकी उम्र 26 से 30 के दरमियान है। जिस घर से हमें उसकी लाश मिली उसके आस पड़ोस से 2 लोग मिलते हैं जो किसी न किसी तरह उस रात से मुंसलिक है। इस रात उस घर में उस लड़की को जलाया गया है। पहले नंबर पर है अख्तर, जिसके बयान के मुताबिक सबा अपने किसी आशना के साथ घर से भाग गई थी, इसीलिए तलत अपनी बेटी जैनब को लेकर किसी दूसरे मोहल्ले शिफ्ट हो गई थी। दूसरे नंबर पर है माजिद, जिसने अपने घर की खिड़की से सबा को खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाते देखा। हमारे पास एक स्केलेटन है और 2 गवाह हैं, लेकिन हमें अभी तक यह नहीं मालूम कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर सबा वाकई अपने किसी आशना के साथ भाग गई थी तो उस घर में जलाया किसे है फिर? और अगर सबा ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाई थी तो भागने वाली लड़की कौन है? सर हमको लग रहा है अख्तर और माजिद दोनों सच बोल रहे हैं। अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है जिसकी वजह से इन दोनों का सच अधूरा है? पूरा सच मालूम करने के लिए हमें तलत और जैनब को ढूंढना होगा। वही बताएंगे हमें कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर सर अख्तर ने जो नंबर दिया है वो मुसलसल बन जा रहा है और ये नंबर जैनब के नाम पर रजिस्टर्ड है। जिस वक्त हमने नादरा से इंक्वायरी की तो सर हमें ये पता चला कि ये सिम कार्ड जब रजिस्टर कराया गया उस वक्त नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा चुकी थी और फैमिली कार्ड नंबर 85W0DR है। हमने नादरा से आईडी कार्ड पे मौजूद तस्वीर लेके सर्च किया है और लास्ट टाइम जैनब हमें जिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आई है वो नादा खान गोट के एक प्राइवेट बैंक के एटीएम का है। सर वेल डन सर। नादिर हुसैन। यस सर। अपनी टीम रेडी करो और उस पते पे लेकर फौरन पहुंचो। अगर उसने वाकई उस एटीएम मशीन को यूज किया है तो उसके आसपास ही रहती होगी। आसपास के लोगों से पता करो। सर सर गाड़ी तैयार करो फौरन। सर सर ज्यादातर मसाइल शिफ्ट ड्यूटीज के हैं। ये फाइल है अनवर अजहर और रिजवान की। ये तीनों ड्राइवर हैं और इनमें से एक हमेशा छुट्टी पे रहता है। आपस की मिली भगत से इनमें से एक पूरे महीने छुट्टी करता है, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। और सर मजे की बात है कि काम में बाला को इसकी खबर तक नहीं होती। और सर ये जो मुंशी थानों में कांस्टेबल की हाजिरी और ड्यूटी लगाते हैं ये मंथली तय कर लेते हैं और जिनसे मंथली तय करते हैं वो आए ना आए उनकी हाजिरी लगा देते हैं। और सर बहुत से सिपाही तो खास दिनों में ही ड्यूटी पे नजर आते हैं, उसके बाद ये कहाँ होते हैं क्या करते हैं कौन जाने। आप यूं कीजिए इन तमाम कांस्टेबल्स की लिस्ट बनाकर मुझे दीजिए, मैं आईजी साहब के सामने पेश करूँगा और तमाम थानों की बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम को यकीनी बनाने की भी बात करूँगा। राइट सर। सर
एक प्रॉब्लम और थी, जरा इसको भी देख लीजिए। सर ये सुनो, इस लड़की को जानते हो? ये लड़की तो साथ वाली गली में रहती है अपनी माँ के साथ। पक्की बात है, इसी की बात कर रहे हो? जी मैडम, इसकी माँ तो बहुत लड़ाका खातून है, मैं भी उसी गली में रहता हूँ, दो दफा तो मुझसे झगड़ा कर चुकी है। शुक्रिया। सर, सर एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई है और वो जैनब को बहुत अच्छी तरह से जानता है। नहीं सर, वो उसी गली में रहता है जहाँ जैनब अपनी माँ के साथ रहती है। ठीक है सर, ओके सर, चलो तुम मेरे साथ हो और मुझे जैनब का घर दिखाओ, आ जाओ। चलो। जब से तुमने दरवाजा खोलना शुरू किया है, दरवाजा हर वक्त बजता ही रहता है। अरे भैया बता भी दो कौन है। तलत खातून, हमें आपके घर से एक लड़की का लाश मिला है। लड़की की उम्र 26 से 30 साल के दरमियान, यानी आपके बहू सबा जितना। वही सबा जिसके बारे में आपने अख्तर को बताया था कि वो अपने आशिक के साथ फरार हो गई। लेकिन आपके घर के सामने रहने वाले माजिद ने अपने आंखों से किसी को आपके घर में जलता हुआ देखा। अब असल कहानी क्या यह तो आपको पता। सबा मेरी बेटे आशिर की बेवा थी। मेरी बेटी जैनब का मंगेतर हमजा पाकिस्तान उसे शादी करने आया था और फिर वो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताएं आप ठीक हैं? मैं सब ठीक ठाक है। अरे हमजा को कुछ दो तो। ये बहू है आपकी? जी बेटा। काफी यंग है तो। जी अक्सर लोग मुझे जैनब की जुड़वा बहन समझते हैं। समझना भी चाहिए, वैसे बच्चे नहीं आपके? नहीं भाई, अरशद की कोई निशानी नहीं है, फिर भी मैंने उसकी बीवी को सीने से लगा के रखा है। वरना तुम तो जानते हो बेवा होने के बाद ससुराल वाले बहू का क्या हशर करते हैं, ये तो तुमने खबरों में भी सुना होगा। आई थिंक आपको नौकरी करनी चाहिए किसी स्कूल में या फिर किसी ट्यूशन सेंटर में, उससे आपको एक मसरूफियत भी मिल जाएगी और आपका दिल भी बहल जाएगा। क्यों करें नौकरी, जवान है, हसीन है, बाहर निकलेगी तो 100 लफंगे पीछे लग के घर आएंगे। सबा एक बहुत बदकिरदार लड़की थी और मेरी बेटी जैनब के मंगेतर के साथ भाग गई। अच्छा तो ये बात है। तो आपकी बेटी के मंगेतर का क्या नाम है? मैंने आपसे पूछा है कि आपकी बेटी के मंगेतर का क्या नाम है? हमजा नाम था उसका। हमजा? हमजा कहाँ रहता है? वो दुबई में होता है। दुबई में तो काम करता होगा ना, ये कराची में कहाँ रहता है? नाजाबाद 21/11 में रहता है, लेकिन अब वो आपको वहां नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो सभा को लेके दुबई भाग गया है। कौन देखे? दिलदार खान ये यकीनन पता गलत बता रही है। मैं काम करो, जैनब से भी हमजा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लो। मुझे हमजा एक घंटे में यहां चाहिए। यस सर। ये लो, हमजा की सारी डिटेल्स यहां पे लिखो, उसका नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ। बस करो, तीसरा पानी का ग्लास है ये तुम्हारा। और मुझे ये बताओ कि सभा को आग तुमने लगाई थी? नहीं नहीं, वो तो मेरे मंगेतर के साथ घर से भागी थी। अच्छा, पर तुम्हारी माँ का स्टेटमेंट तो ये है कि जब तुम सभा के कमरे में गई तो तुम्हारे हाथ में तेल का गैलन था और मैच बॉक्स थी। अम्मी ने कहा? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने कहा। असल में मुझे शक तो बहुत पहले से था कि हमजा सभा भाभी में इंटरेस्टेड है, और फिर वही हुआ। एक दिन सभा भाभी तैयार होके उसके साथ घूमने चली गई और हम लोगों से कहा कि वो बाहर जा रही हैं। झूठ बोल के उसके साथ घूमने गई थी वो। आगे बोलो। फिर अम्मी, अम्मी हमजा की अम्मी की कॉल आ रही है इस वक्त। लाओ मुझे दो। जी शहनान, मैं सोच ही रही थी कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊं। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? सभा से ये कैसे हो सकता है? हेलो 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 शहनाज, मैं समझ गई थी, जरूर कोई कहानी है। जब ही तो रोज चुप चुप के उससे मिलने जाती थी। अम्मी हुआ क्या? खैरियत तो है? क्या कहा हमजा की अम्मी ने? तुम्हारे हमजा की माँ ने शादी से इनकार कर दिया है और वो सभा से शादी करना चाहता है। क्या हमजा सभा भाभी से शादी करना चाहता है? अरे मैं तो पहले ही कहती थी, हमने घर में सांप पाल रखा है, ये है ही बच्चा लंग का, तो खानदान भी घटिया है। देख लिया तुमने कैसा तुम्हारा घर बर्बाद किया इसने। तुम्हारे हमजा की माँ ने शादी से इनकार कर दिया है और वो सभा से शादी करना चाहता है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी, हमने घर में सांप पाल रखा है, ये है ही बच्चा लंग का, तो खानदान भी घटिया है। देख लिया तुमने कैसा तुम्हारा घर बर्बाद किया इसने। जैनब तुम, ये मिट्टी की तेल का गैलन और माचिस, पागल तो नहीं होगी तुम? मैंने 3 साल टूट के हमजा को चाहा और तुमने 3 दिन में उसे मुझसे छीन लिया? तुम क्या सोचती हो, तुम हमजा से निकाह करोगी और मैं देखती रहूंगी? नहीं, मैं हमजा से निकाह नहीं करी। छोड़ो,
मेरा एतबार करो, मैंने हमजा को साफ साफ मना कर दिया है। तुम मुझ पर एतबार करो, तुम्हें अब भी एतबार नहीं है तो मैं अपने आप को खुद जला लेती हूँ। मैंने इस मासूम शक्ल से बहुत धोखा खा लिया, लेकिन अब नहीं, तुमने मुझसे मेरा हमजा छीन लिया ना, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी तुम्हें। मैंने उसे नहीं जलाया और ऐन उसी वक्त चल हवा के लिए लाइट चली गई थी और जब दोबारा रोशनी हुई तो सभा जल रही थी, उसने खुद ही खुद को आग लगा ली थी। सर, सर ये हमजा, बैठो। तुम तो दुबई होते हो ना? जी सर, कल ही मेरी वापसी की फ्लाइट है। अच्छा, दिलदार खान ने तुम्हें बता तो दिया होगा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया? जी, मेरी और जैनब की फ्रेंडशिप फेसबुक पर है और फिर हमारी एंगेजमेंट भी हो गई थी, हमें पाकिस्तान भी उससे शादी करने के लिए आया। सबा को पहली नजर देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। आप कौन? जी मैं सबा, जैनब की भाभी। अंदर आ जाए। ये बहू है आपकी? जी बेटा। काफी यंग है ये तो। अरे आप इस वक्त हमारे मोहल्ले में, जरूर जैनब से मिलने आए होंगे। नहीं, कल रात को आपने मेरा फोन काट दिया था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद आपसे आके वजह पूछ लूं फोन काटने की। शायद मुझे आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत अरसे बाद कोई ऐसा शख्स मिला जिसने मेरे हक की, मेरी जिंदगी की बात की, तो मैं आपको कॉल के बिना रह नहीं सकी। लेकिन फिर आप बहकी बहकी बातें करने लगे तो मुझे फोन काटना पड़ा। बाय द वे, आप कहाँ जा रही थी? मैं जरा मार्केट तक जा रही थी, रोड से ऑटो ले लूंगी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, जब तक रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी, आपके हक की भी और मेरे बैठने की भी। नहीं हमजा, आपको जो बात करनी है आप यही कर ले। शादी करना चाहता हूँ मैं। क्या आप पागल तो नहीं हो गए? आपकी शादी जैनब से होने जा रही है और आप यहाँ मुझे प्रपोज कर रहे हैं? तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है इसमें, जैनब के साथ आपकी मंगनी हो रही है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, वो हर्ट हो जाएगी। और रही बात मुझसे निकाह करने की, तो लोग क्या कहेंगे? तो क्या लोगों के डर से आप अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही तनहा गुजार दें, जबकि शरीयत आपको पूरा हक देती है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। और जहां तक बात रही जैनब की, तो मैं उससे मंगनी खत्म कर दूंगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम जाइए, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं मंगनी खत्म कर दूंगा जैनब से। आपको क्या लगता है इस तरह करने से आप मुझे सारी जिंदगी की खुशियां दे देंगे? ये गलत फहमी है आपकी, शायद आप तलत आंटी को नहीं जानते। आप अपने ख्वाहिशात के लिए मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना देंगे। Listen. अब क्या है सबाब? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैंने जैनब से मंगनी तोड़ दी और अभी कुछ ही देर में मेरी अम्मी जैनब की अम्मी को फोन करूंगी तुम्हारे और मेरे निकाह की बात करूंगी। हमजा प्लीज,
अगर मैंने जैनब के मोबाइल से आपका नंबर निकाल के आपसे बात कर ली तो मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दें कि उम्र भर के लिए तमाम रिश्तों से मेरा एतबार उठ जाए। जैनब तुम ये मिट्टी की तेल का गैलन और माचिस पागल तो नहीं होगी तुम? मैंने 3 साल टूट के हमजा को चाहा और तुमने 3 दिन में उसे मुझसे छीन लिया। तुमने क्या सोचा तुम उससे निकाह करोगी? और मैं देखती रहूंगी। नहीं, मैं हमजा से निकाह नहीं करी। छोड़ो, तुम्हें अब भी एतबार नहीं है तो मैं अपने आप को खुद जला लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को खुद जला लेती हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। और मेरी वजह से सबा ने खुद को आग लगा ली। अच्छा, दिलदार खान सर, उनका तहरीरी बयान ले लो। सर आप जा सकते हैं। सर सर जैनब भी यही कह रही है कि सबा ने खुदकुशी की है। और सर हमजा ने भी तो यही बयान दिए। और तो और जो उसने फोन पे सारा बातें सुना वही सारा बातें जैनब भी बता रहे। और सर माजिद ने भी अपने घर से यही देखा था कि सबा अपने आप पे खुद तेल छिड़क रहा है। इन सब बातों से यही लगता है सर कि यह खुदकुशी का केस है। हाँ, लेकिन तलत के बयान के मुताबिक उसकी बहू घर से भागी थी। समीर आप एक काम करें, आप तलत से कहें कि ये बात साबित हो गई है कि उसकी बहू घर से भागी थी और हम उसे छोड़ने वाले। यस सर। आप दोनों जा सकते हैं। सर सर हमें पता चल गया है कि सबा के साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था? यही कि वो घर से भाग गई थी। आपकी बेटी ने भी यही बयान दिया है और हो सकता है कि थोड़ी देर में हम आपको यहां से जाने दें। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। और सर हमजा ने भी तो यही बयान दिए है। और तो और जो उसने फोन पे सारा बातें सुना वही सारा बातें जैनब भी बता रहे। और सर माजिद ने भी अपने घर से यही देखा था कि सबा अपने आप पे खुद तेल छिड़क रहा है। सबा एक बहुत बदकिरदार लड़की थी। सर वो अपने आशना के साथ फरार हो गई थी। मैंने उसे नहीं जलाया और ऐन उसी वक्त चल हमों के लिए लाइट चली गई थी और जब दोबारा रोशनी हुई तो सबा जल रही थी। कत्ल नहीं सर, खुदकुशी। खुदकुशी? तुम्हें क्यों लगता है खुदकुशी थी? क्योंकि सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यानी जो भी कुछ हुआ वो लाइट के जाने और आने के दरमियान हुआ। नादिर सर मेरे रूम में आ फौरन। अब लोग यह करेगा लाइट बंद और मीडिया को बोलेगा कि अपने जुर्म साबित होने के बाद तलत खातून ने अपने आप को खुद आग लगाया था। समरी जी लाइट बंद करो। सर ये अच्छा आइडिया है वैसे। मेरी बात सुनो। लाइट खोलो। हाँ जी सॉरी, आप क्या बोल रहा था मैं सुना नहीं। सर सबा ने खुद पर तेल जरूर डाला था
मगर माजिद जैनब के हाथ में थी। और जब माजिद ने अपने घर से तुम्हारे घर की तरफ देखा तो लाइट सिर्फ तुम्हारे घर की बंद हुई थी, सिर्फ तुम्हारे घर की। और ऐन उसी वक्त तुमने, तलत खातून, तुमने माचिस की तीली जलाई और सबा पर फेंक दी और वो जल गई। मैंने ही सबा को जलाया। पर मैंने ही लाइट बंद की। खुद जला लेती हूं। मेरे बेटे आशिर ने अपनी सारी दुकानें सबा के नाम कर दी और मैं उसकी मोहताज बन के रह गई। फिर उसने मेरी बेटी जैनब को नागन की तरह डसना शुरू कर दिया। अगर मैं उसे नहीं जलाती तो क्या जिंदगी भर खुद इस आग में जलती? काश, काश तुम एक सास बन के नहीं बल्कि एक मां बनकर सोचा होता, आज तुम्हारी बेटी का घर भी बसा होता और तुम जेल जाने से भी बच जाती। ले चलो उसे।